बजट की बेला, जनता की उम्मीदें क्या? और रसोई का बजट अगर बैलेंस होगा तो गृहिणियों के पास और जो है कुछ करने के चांसेस हो गया। सोना तो आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों की हदों को पार कर चुके, बचत कर पा रहे थे वो भी नहीं कर पा रहे हैं। बजट हमारे अनुसार हो, हमारा गैस सिलेंडर ये बहुत तेजी से हर समय बढ़ता है। बजट को मतलब जो किचन से जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं या जो भी वैसी चीजें, उसका उस बजट को मतलब नीचे गिरा है। बजट 2024 से क्या चाहता है मिडिल क्लास? कि आयुष्मान योजना को इस बजट में मध्यम वर्ग के लिए पूरी तरह से लागू कर देना चाहिए, और जब किसान को जरूरत पड़ता है उस समय रेट कम हो जाता है, वही अनाज हम लोग बेच देते हैं, फिर बाद में जो है उसी अनाज को हमको खरीदना पड़ता है दुगुना में। टैक्स के रूप में हम लोगों को थोड़ी सी राहत पहले और मिली है, इस बार थोड़ी और मेहनत करके उस पे थोड़ी और सुधार होनी चाहिए। पब्लिक किसान नौजवान, किसे क्या मिलेगा? का मूल्य बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें उस लागत है, लागत के भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। केसीसी है हमारा, वो ब्याज मुक्त होना चाहिए, कम से कम 450 या 500 रुपए गन्ने का रेट होना चाहिए। कीटनाशक है अपने, इन पे जीएसटी खत्म होनी चाहिए। कीटनाशक में 12% जीएसटी है, जो 12 से 14% अलग अलग कृषि यंत्रों पे जीएसटी है, वो पूरे तरह जीएसटी मुक्त होना चाहिए। 2024 के बजट में किसका बेड़ा होगा पार? मोदी जी ने नई इंडस्ट्री को तो बहुत बढ़ावा दिया, लेकिन पुरानी इंडस्ट्री को बढ़ावा नहीं दिया गया है। मोदी जी एक पैकेज ऐसा लाएं जिससे पुरानी इंडस्ट्री सर्वाइव कर सके। बैंकों के नियमों में बहुत सरलीकरण होना चाहिए, जो 3 महीने किस्त नहीं दे पाते हैं या ब्याज नहीं जमा कर पाते हैं तो उसको एनपीए कर दिया जाए। मशीनों में भी छूट मिलनी चाहिए और रॉ मटेरियल के भी रेट जो है जीएसटी कम करनी चाहिए, कि जो टैक्सेस में रिलीफ मिलनी चाहिए, जैसे किसी में 5% या सर्विस टैक्स में 18%। बजट से पहले देखिए क्या है जनता की उम्मीदें। मोदी 3.0 का बजट, जनता के लिए क्या? तो मोदी 3.0 का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई यानी कि कल सदन में पेश करेंगी। ये वित्त मंत्री के तौर पर उनका 7वां बजट होगा। यहीं आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि वित्त 2024-25 के लिए सरकार का पूर्ण बजट भी कल पेश होने वाला है। सोमवार यानी कि आज 22 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है और इसी सत्र के दूसरे दिन यानी कि कल बजट पेश किया जाएगा। बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण या फिर इकोनॉमिक सर्वे रखा जाएगा और इसके बाद 23 जुलाई को वित्त मंत्री केंद्र सरकार के खर्चे कमाई का पूरा हिसाब किताब देंगी। बजट को लेकर आम जनता क्या सोचती है, आम लोगों की इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, वो जानने के लिए आप हमारी ये रिपोर्ट देखेंगे। हमारी टीम लोगों के बीच पहुंची हुई है जो जान रही है कि आखिर इस बजट से उन्हें क्या उम्मीदें हैं। व्यापार तक महिलाएं हर क्षेत्र में अपना दारोमदार संभाल रही हैं। केंद्रीय बजट आने वाला है, उसको लेकर महिलाओं में क्या उम्मीदें हैं, इस पर बात करते हैं। हम इस वक्त लखनऊ में एक ऐसे ही किचन में मौजूद हैं जहां से घर कंट्रोल होता है, बजट कंट्रोल होता है और बजट आने वाला है तो बजट पर बात करेंगे। आपसे शुरुआत करते हैं, आपका नाम क्या है और क्योंकि बजट आने वाला है ऐसे में महिलाओं को क्या कुछ उम्मीदें हैं? मेरा नाम पीनल शर्मा है और एक महिला होने के नाते, एक गृहिणी होने के नाते स्पेशली मेरी वित्त मंत्री सीतारमण जी से बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। अब की बार के बजट में ये महंगाई जो बढ़ती ही जा रही है, दिन प्रतिदिन आसमानी छू रही है, उसको थोड़ा सा तो एटलीस्ट हम लोगों के बजट में लाया जाए। सब्जी देखिए तो, टमाटर देखिए तो, दालें देखिए, सब बहुत ही महंगा हो चुका है। प्लीज़ मेरा ये वहाँ तक आवाज़ पहुँचाई जाए कि इसको थोड़ा कंट्रोल किया जाए। किचन के बजट की बात हो या देश के बजट की बात हो, महिलाएं काफ़ी कुछ संभाल रही हैं। आपको क्या लगता है कि किचन का बजट किस तरह से इफ़ेक्ट हो रहा है और आपकी इस बार क्या डिमांड रहेगी कि बजट में क्या कुछ महिलाओं के लिए होना चाहिए? मेरा जो हमारी वित्त निर्मला सीतारमण जी हैं, एक वो भी एक महिला ही हैं, इसलिए शायद वो हमारी आवाज़ सुन सके। तो मेरी उनसे ये उम्मीद है कि जैसे कि हमारा गैस सिलेंडर ये बहुत तेज़ी से हर समय बढ़ता है, अब वो ऐसी चीज़ है कि हमको यूज करना ही करना है,
बजट बने या ना बने लेकिन हमको यूज करना पड़ेगा। सब्जियां हैं जैसे मैडम ने बोला कि सब जैसे कि सब मतलब मेरी बहन ने बोला कि जैसे कि सब्जियां बढ़ रही, दालों का रेट बढ़ रहा, ये ऐसी चीज़ है कि मिडिल क्लास का होगा इंसान वो भी खाएगा, हाई उसका लेवल का होगा वो भी खाएगा। तो मेरी यही उम्मीद है कि बजट को मतलब जो किचन से जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं या जो भी वैसी चीज़ें तो उसका उस बजट को मतलब नीचे गिराया जाए। इस समय मतलब बहुत तेज़ी से आसमान छू रही है महंगाई, कि हम लोग मतलब फलों से सब्जियों से बहुत परेशान है कि खाया क्या जाए। महंगाई आसमान छू रही है, महिलाएं चाहती हैं कि जो महंगाई है उससे आराम मिले। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ होना चाहिए इस बार बजट में जिससे महिलाओं को थोड़ी सी राहत? मैं केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी से मतलब कहना चाहती हूँ कि ये जो बराबर दिन प्रतिदिन ये महंगाई बढ़ती जा रही है उसको थोड़ा सा मतलब कंट्रोल में रखा जाए, मतलब कम किया जाए, ताकि हम लोग का जो गृहिणी है उनका बजट जो स्पेशली है वो ना गड़बड़ हो। जैसे हम लोग सब्जी मार्केट जाते हैं, आलू लेना है 1 किलो, टमाटर लेना है 1 किलो, तो अब उसी को सोचते हुए कितना लें कितना ना लें, क्या करें क्या ना करें, ताकि बच्चों का भी भविष्य देखना है, घर का भी, तो उसको ध्यान में रखते हुए अब जहाँ 1 किलो लेना है उसको हम आधा किलो ही ले रहे हैं। तो इतनी महंगाई में उनसे उम्मीद ये कर रहे हैं कि कम से कम अपना वो बजट पास करें ताकि हम लोग का जीवन जो है आराम से अपनी सीढ़ी पर चल सके। जो बजट आने वाला है उससे लोगों को ढेरों उम्मीदें हैं, खास करके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से, क्योंकि वो खुद एक महिला हैं। ऐसे में महिलाओं को उम्मीद है कि इस बजट में महिलाओं को विशेषकर कुछ ऐसे उपहार ज़रूर मिलने वाले हैं, कुछ ऐसी स्कीम ज़रूर मिलने वाली हैं जिससे महिलाओं का उद्धार हो। और ये आगे बढ़ते आपको बताते हैं काशी के लोग 2024 के बजट से क्या उम्मीदें करते हैं, बता रही है काशी की जनता, देखिए रिपोर्ट। अब पेश होने जा रहा है, ऐसे में काशी के लोगों की क्या उम्मीदें हैं ये जानने के लिए हम काशी मौजूद हैं। काशी धर्म की नगरी है, सांस्कृतिक राजधानी है। काशी के लोगों को बजट से क्या उम्मीद है? अब तीसरे कार्यकाल की सरकार है, खुद प्रधानमंत्री तीसरी बार काशी से सांसद बने हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि उम्मीद ज़्यादा बढ़ गई होगी आप लोगों की। हमारे विचार से अगर सिर्फ काशी नहीं पूरे देश की बात करें तो सबसे पहली प्राथमिकता देश के स्वास्थ्य पर होनी चाहिए, सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए, और एक जो हमारा स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य सुरक्षा, उसके बाद हम चाहते हैं कि जो सड़क बिजली पानी आता है, मेरे विचार से यही है। विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी। काशी में साड़ी का व्यापार, साड़ी का काम होता है, साड़ी के कारीगर बहुत हैं, तो साड़ी उद्योग को लेकर मैं कहना चाहूँगा कि सरकार को इस दिशा में भी ध्यान देना चाहिए और इसको बढ़ाने के लिए जो भी उनके पास योजनाएँ हों उसको बजट में करना चाहिए, जिससे कि यहाँ के लोकल जनता को भी और यहाँ के कारीगरों को, बुनकरों को भी सुविधा मिल सके। क्या नाम है आपका? अंकित चौरसिया। अंकित, आपको क्या लगता है युवाओं के लिहाज से, काशी के युवाओं के लिहाज से आपको क्या लगता है और काशी वासी के लिहाज से आपको बजट से क्या उम्मीद है? मेरे हिसाब से कम मध्यम वर्गीय जो जनता है हमारे देश की, उसके बारे में थोड़ा सा योजना बनाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। किस तरीके से आपको लग रहा है मध्यम वर्गीय के लिए क्या और होना चाहिए? क्या बजट में आप वो, क्या टैक्स में आप रिवेट चाहते हैं, क्या किस से? टैक्स लैब में थोड़ा उसमें चाहिए और महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल। महंगाई पे कंट्रोल, महंगाई मुद्दा हो भाई साहब, आप आ गए, महंगाई मुद्दा हो, मतलब काशीवासी भी चाहते हैं महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल। महंगाई देखिए दो तरह से यहाँ की जनता समझ नहीं पाती, जैसे कुछ चीज़ें फल और सब्जियों को लेकर अक्सर लोगों की जो चिंता रहती है वो एक टेम्परेरी समस्या होती है। किसी चीज़ की आमद कम हो गई, हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में जो पढ़ रखा है कि अगर किसी चीज़ की आमद कम हो गई तो उसका रेट स्वाभाविक है बढ़ जाना। हाँ, बाकी अन्य चीज़ों की महंगाई जैसे पेट्रोल और बाकी अन्य चीज़ों की चीज़ें हैं वो सामान्य तौर पे अन्य देशों के हिसाब से ठीक है। इनसे हम लोग ये जरूर उम्मीद करते हैं कि टैक्स के रूप में हम लोगों को थोड़ी सी राहत पहले और मिली है, इस बार थोड़ी और मेहनत करके उस पर थोड़ी और सुधार होनी चाहिए। व्यापारियों को टैक्स में थोड़ी और राहत चाहिए इस बार, और वो उम्मीद है व्यापारियों को टैक्स पे राहत चाहिए। तो मतलब क्या अभी जैसे एक मैं अभी कुछ सुन रहा था कि बहुत सारे कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि जो कोई एक कानून था जिसमें भुगतान करना है जी, जी, जी। तो कुछ ऐसा भी क्या कुछ चर्चा है व्यापारियों के बीच? व्यापारी हित की चीजें हैं, कुछ लोगों द्वारा उसको प्रायोजित करके गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। आयुष्मान जो कार्ड है वो सुविधाएं अब मिडिल क्लास में पूरी तरीके से लागू हो जाए, कुछ टैक्स के स्लेब में भी राहत मिले, इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र पर भी बात हो, तो तमाम सारी उम्मीदें धार्मिक नगरी काशी को इस बजट से है। काशी के बाद आपको कानपुर ले चलते हैं। देखिए कानपुर कारोबारियों का शहर है, बजट आने वाला है, लिहाजा उद्योग धंधों से जुड़े हुए लोगों की अपनी राय है, अपनी उम्मीदें हैं
और अपनी अपनी मांगे हैं। बजट से पहले कानपुर के कारोबारियों का क्या कुछ कहना है वो आपको दिखाते हैं। अब बजट मोदी 3.0 का आने वाला है और ऐसे में औद्योगिक नगरी कानपुर के लोगों की क्या मन में चल रहा है, उनके जहन में क्या चल रहा है, कैसा बजट होना चाहिए, उसको जानने के लिए इस वक्त आप देख सकते हैं कि न्यूज 18 टीम कानपुर के दादानगर के उस जगह जहां इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के तमाम अलग अलग वर्ग के लोग हैं। कुछ प्लास्टिक इंडस्ट्रीज हैं, कुछ पैकिंग्स हैं, कुछ फूड आइटम्स हैं, कुछ हेल्थ सर्विसेज हैं, कुछ साइकिल इंडस्ट्रीज हैं, जहां तक कैमरे की नजर आ रही है कुछ युवा व्यापारी हैं और उद्यमी भी हैं। हम सर से शुरुआत करते हैं, सर बजट आने वाला है, क्या सोचना व्यापारी का, कैसा होना चाहिए, जहन में क्या चल रहा है? देखिए मोदी जी की सोच बहुत बड़ी है और हम लोग हमेशा ये तीसरा बजट आ रहा है, मोदी पार्ट थ्री का ये बजट आ रहा, पहला बजट आ रहा, तो हम लोगों को बहुत उम्मीदें हैं और उम्मीद करनी भी चाहिए कि मोदी जी वर्ल्ड के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। तो मेरा ये मानना है कि अब की बार मोदी जी ने नई इंडस्ट्री को तो बहुत बढ़ावा दिया लेकिन पुरानी इंडस्ट्री को बढ़ावा नहीं दिया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी पुरानी इंडस्ट्री है, जो अंतिम सांसें गिन रही है, मोदी जी एक पैकेज ऐसा लाएं जिससे पुरानी इंडस्ट्री सरवाइव कर सके। आप किस ट्रेड से और आप क्या कैसे देख रहे हैं अपने ट्रेड को, आप अपने ट्रेड में किस तरह के रियलाइजेशन चाहते हैं? हम लोग साइकिल में डील करते हैं, साइकिल गरीबों की सवारी थी और अब जो है साइकिल की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। साइकिल पे 12% GST है जो कि GST बिल्कुल खत्म होना चाहिए। सर आप किस ट्रेड से और क्या आपका सोचना है, कैसी आप मैं प्लास्टिक पैकिंग मटेरियल में मैन्युफैक्चरर हूँ। मेरा सोचना ये है कि बैंकों के नियमों में बहुत सरलीकरण होना चाहिए। जो 3 महीने किस्त नहीं दे पाते हैं या ब्याज नहीं जमा कर पाते हैं तो उसको NPA कर दिया जाता, उस सीमा को 180 दिन करना चाहिए। बैंकों के लोन के प्रोसेस तेज होने चाहिए व प्रोसेसिंग फीस नील होनी चाहिए। इसमें NBC को भी शामिल करना चाहिए, उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। अगर NBC से कोई लोन ले लेते हैं, पहले जमा करते हैं तो 4-4, 5-5% फोर क्लोजर चार्जेस ले लेते हैं, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। चीज़ को कहना चाहेंगे कि हर घर में कह सकते हैं कि जो सर्वाइकल है माइग्रेंट, और ये इतनी तेज़ी से फैल रहा है, इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि इस पर कोई प्राकृतिक चिकित्सा है जो न्यूरोथेरेपी है, इसमें गवर्नमेंट का 18% सरलता से कर सकें। सर हम आप तक आना चाहते हैं, आप किस स्टेट से और कैसे देख रहे हैं? MSME सेक्टर है, इसको कुछ अनुदान भी दिया जाए, चूँकि ये जीर्ण रॉ मटेरियल के भी रेट जो है GST कम करनी चाहिए। मैं फूड ट्रेड से हूँ, मेरे को ये लगता है कि जो टैक्सेस में रिलीफ मिलनी चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं कानपुर के प्रतिष्ठित अलग अलग, हर व्यक्ति की यही उम्मीद है कि जो टैक्स लग रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अंकुश लगे, ताकि इन्होंने सोचा था उस पर कितना इनके जहन के हिसाब से हुआ, ये जो इनके जहन में चला था वो करने वाले इन ग्रामीणों को बजट से हमेशा उम्मीद रहती है, चाहे आपको इस रिपोर्ट में दिखा रहे हैं इसके मेरठ में है। किसानों को क्या कहना है, ये बताएं किसान क्या चाहता है इस बार बजट में? इस बार सबसे बड़ा मुद्दा तो है किसानों के, जैसे अब एथेनॉल यूज हो रहा है और 1 टन गन्ने में 90 लीटर एथेनॉल बन रहा है जो 90 से 100 रुपए लीटर बिक रहा है, अनुपात में कॉस्टिंग आ रही है, यानी मील वालों को फायदा है और किसान की जेब में। गन्ने का मूल्य तो बढ़ना ही चाहिए, गन्ने का मूल्य इसके अलावा नहीं चाहिए किसान को, और जितनी ज्यादा सुविधा हो सके उतनी ज्यादा सरकार को। मुद्दा था ये बताओ पेमेंट आ रहा है क्या? पेमेंट आ रहा है, पेमेंट में कोई खास शिकायत नहीं है, लेकिन समस्या यह है अक्के जो है गन्ने का रेट बहुत कम है, कम से कम 450 या 500 रुपए गन्ने का रेट होना चाहिए। पेमेंट के लिए CM के लिए क्या कहेंगे आप, क्या मुख्यमंत्री ने कुछ बेहतर किया है? मुख्यमंत्री को इसके लिए धन्यवाद है कि किसान का गन्ने का उस बजट में GST कम से कम GST तो कीटनाशक पे खत्म। प्रधान खेती जा रही है, जो पहले पशुओं से हम खेती करते थे वो अब ट्रैक्टर और यंत्रों से हो रही है, उसमें सब्सिडी का प्रावधान होना चाहिए और वो पूरे तरह GST मुक्त होने, जो ये हमारे कीटनाशक है वो GST मुक्त होने चाहिए। उर्वरक पे किसान, उर्वरक किसान की पहुंच से बाहर है, क्या ऐसा है? यूरिया मिल रहा है, DAP नहीं मिल तो रहा चाहिए, उस पर सब्सिडी मिलनी चाहिए किसान को।